हेलो, हेलो। मॉर्निंग क्लास। ऑडिबल? हेलो, गुड मॉर्निंग, एम आई ऑडिबल? यस प्रॉब्लम है सिस्टम में, जरा क्रैश है। इसलिए मुझे फोन से और लैपटॉप दोनों से लॉगिन करना पड़ा। उधर वॉइस नहीं जा रही है, क्या कर रही है? देखता हूँ क्या दिक्कत है सर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग देख रहे थे प्रॉब्लम सेट, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। प्रॉब्लम सेट 3, इसमें कुछ क्वेश्चंस हो गए थे और कुछ क्वेश्चंस बचे हुए थे, क्योंकि अभी हम लोग के पास टाइम ज़्यादा नहीं है, तो हम लोग को जल्दी जल्दी से ट्यू ट्यू टेस्ट चारों कराने हैं, और उसके बाद सरप्राइज टेस्ट भी अभी आप लोग के बचे हुए हैं। और मेरे ख्याल से अभी टाइम तो बहुत कम है, 10-15 दिन है। ठीक है, आप लोग की क्लासेस मेरे ख्याल से 4th 5th जुलाई तक ही चलेंगे शायद, अभी तक जो डेट है। ठीक है, तो इसलिए अभी हम लोग को थोड़ा सा तेजी से कोर्स को ख़त्म करना होगा। तो ये प्रॉब्लम शीट देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 मेरे ख्याल से हो गया था, रिकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 2 भी मेरे ख्याल से हो गया था। सपोज दैट यू राइट पुट, हाँ हो गया था। क्वेश्चन नंबर 3, सपोज एन इन्वेस्टर हैज सेट अप स्ट्रडल भी, ठीक है, ये भी हो गया था। जैसे मैंने बताया था, जो स्ट्रडल पोजीशन होता है उसमें जो कोई इन्वेस्टर होगा वो क्या करता है, जो कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन दोनों ऑप्शन लेते हैं सेम स्ट्राइक प्राइस का, सेम ड्यूरेशन का, वो कॉल और पुट दोनों लेते हैं। ठीक है, ये आपका स्ट्रडल पोजिशन होता है। तो वो भी क्वेश्चन हो गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, सपोज यू ओन 5,000 शेयर्स दैट आर वर्थ 25 ईच, हाउ कैन पुट ऑप्शन बी यूज टू प्रोवाइड यू। हाँ, ये भी क्वेश्चन मेरे ख्याल से हो गया था। इंश्योरेंस मतलब कैसे आप हेज कर सकते हैं, मतलब आपके पास 5,000 शेयर्स हैं,
जिसकी जो वर्थ है वो है $25 ईच। और यहाँ पर आपको ये देखना है कि भाई ये अगर प्राइजेस कम हो, अगर जो आपका प्राइस है, आपका स्टॉक का प्राइस है $25, अगर ये कम होता है तो आपका क्या होगा कि आपके जो भी फंड की वैल्यू भी कम हो जाएगी, आपका जो है स्टॉक की वैल्यू भी कम हो जाएगी। तो उस रिस्क को कम करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर हेज करना है। हेज करने के लिए आप क्या करेंगे, पुट ऑप्शन लेंगे, ठीक है, उतने ही वैल्यू का जितना कि आपके पास होल्डिंग में स्टॉक रखा हुआ है। तो इस तरह से आप उस रिस्क को आप खत्म कर देंगे, उस रिस्क को आप कम कर देंगे। जो प्राइस कम होने का रिस्क है उसको आप, जो प्राइस आपको, अगर प्राइजेस कम होते हैं और जो लॉस होता है तो उसको रिकवर आप कर लेंगे पुट ऑप्शन से, ठीक है। तो इसमें कुछ ऐसा कुछ नहीं करना था, बस आपको बताना था हाउ कैन पुट ऑप्शन बी यूज्ड टू प्रोवाइड विद द इंश्योरेंस अगेंस्ट द डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ होल्डिंग ओवर द नेक्स्ट 4 मंथ। तो यहाँ पर क्या करना है, उतनी वैल्यू यानी 5,000 × $25, ठीक है, इतने वैल्यू का आपको पुट ऑप्शन लेना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, सपोज दैट अ मार्च कॉल ऑप्शन टू बाय अ शेयर फॉर 50 कॉस्ट $2.5। मतलब ये बोल रहे हैं कि एक कोई स्टॉक है जिसका जिसका शेयर है जिसके जिसके प्राइस अभी $50 है, और अगर मैं कॉल ऑप्शन बाई कर रहा हूँ तो उसके लिए मुझे प्रीमियम कितना देना पड़ेगा, $2.5, ठीक है, ये प्रीमियम अमाउंट है, ये मार्केट प्राइस है $50, ठीक है। सपोज दैट मार्च कॉल ऑप्शन टू बाई अ शेयर फॉर $50 कॉस्ट $2.5 एंड हेल्ड अंटिल मार्च, और मार्च तक उसको रखा गया। अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस विल द होल्डर ऑफ द ऑप्शन मेक अ प्रॉफिट, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस विल ऑप्शन, ये भी शायद क्वेश्चन हो गया था मेरे ख्याल से, हाँ ये भी हो गया था, क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया था, मुझे अभी याद आ रहा है कि ये भी हो गया था। इसमें बस ये आपको बताना है कि कितना प्रॉफिट आ सकता है अगर कॉल ऑप्शन ले रहे हैं, ठीक है, कॉल ऑप्शन ले रहे हैं तो जितना प्राइस जितना प्रॉफिट कितना प्रॉफिट होगा, जितना भी प्राइसेस बढ़ेगा, जो स्टॉक प्राइस बढ़ेगा वो इनका प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये बोले अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस विल होल्डर ऑफ द ऑप्शन मेक अ प्रॉफिट। तो वही है, जब अगर $50 कॉस्ट है और ₹2.5 $2.5 इसका प्राइस है, तो 50 + 2.5 यानी कि 52.5, ये आपका ब्रेक इवन पॉइंट है, ठीक है, ये आपका ब्रेक इवन पॉइंट है, ये आपका ब्रेक इवन पॉइंट है। और यहां से प्राइस अगर बढ़ता है तो जितना भी बढ़ेगा वो आपका प्रॉफिट होगा, ठीक है। 50 हम ये मान लेते हैं, जहां पर ये बोल रहा है कि भाई जो शेयर है वो $50 का, हम ये भी मान लेते हैं स्ट्राइक प्राइस भी $50 है, ठीक है, या $50 स्ट्राइक प्राइस है और 2.5 प्रीमियम है। तो $50 अगर स्ट्राइक प्राइस है तो मैंने ये प्रेडिक्ट किया कि मार्केट $50 से ऊपर जाएगा, जो मार्केट सॉरी जो शेयर है उसका प्राइस $50 से ऊपर जाएगा, ठीक है, और उसके लिए मैंने कॉल ऑप्शन को बाय करने के लिए मुझे प्रीमियम पे करना पड़ा $2.5, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे अगर प्राइजेस मार्च में, जब क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट कब का है, मार्च का है, और मार्च तक मैंने इस कॉन्ट्रैक्ट को होल्ड भी कर रखा है, मतलब कि मैंने उसको एक्सरसाइज नहीं किया, मैंने उसको एग्जिट नहीं लिया उस कॉन्ट्रैक्ट से, तो जब मार्च तक मैंने होल्ड रखा है तो अगर एक्सपायरी डेट पर प्राइस 52.5 से ज्यादा होगा तभी मुझे प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। 52.5 है तो ब्रेक इवन, नो प्रॉफिट नो लॉस, 52.5 से कम है तो मेरा लॉस होगा, ठीक है, और 52.5 से ज्यादा होगा तो वो जितना ज्यादा होगा वो मेरा प्रॉफिट, ओके। एंड और क्या क्वेश्चन में पूछा गया है, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस विल द ऑप्शन बी एक्सरसाइज्ड, कब एक्सरसाइज करेंगे, तो भाई एक्सरसाइज तभी करेंगे जब आप प्रॉफिटेबल सिचुएशन पे रहोगे, यानी कि जब आपका जब जब भी आपको लग रहा है कि आप
प्रॉफिट आपको मिल रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या होता है, जैसे ये अमेरिकन ऑप्शन है तो यहाँ पर आप कभी भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। ठीक है, जब भी कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है केवल उस टाइम पे नहीं, आप कॉन्ट्रैक्ट के जो भी ड्यूरेशन है उस टाइम पे आप कभी भी, आपको लगता है कि हाँ आपको प्रॉफिट जितना आपको चाहिए था उतना मिल रहा है, आप उस समय वहां से एग्जिट ले सकते हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज आप कभी भी कर सकते हैं। ड्रॉ अ डायग्राम, अच्छा डायग्राम, ठीक है, मैं डायग्राम, वैसा कुछ खास डायग्राम नहीं है, अब बस आपको डायग्राम इस तरह से बनाना है एक, जो है कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ेंगे वैसे वैसे आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, और ब्रेक इवन आपका 52.5 होगा। ठीक है, और डायग्राम यहाँ पे तो बना पाना थोड़ा सा मुश्किल है, खैर देखते हैं नेक्स्ट क्लास में, मैं कोशिश करता हूँ मैं इसको करने का। ठीक है, तो खैर आपको डायग्राम इस तरह से बनाना है कि ब्रेक इवन पॉइंट आपका 52.5 है, वहां से जितना भी प्राइस ऊपर गया ठीक है वो आपका प्रॉफिट हुआ, और उसके नीचे अगर है तो लॉस है। इस तरह से डायग्राम आप बना सकते हैं। ओके, मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, वाई एक्सिस को आप प्रॉफिट एंड लॉस वाला बना लीजिए, एक्स को आप जो है प्राइस कर लीजिए, तो उस तरह से आप ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, एन इन्वेस्टर होप्स दैट द प्राइस ऑफ बेल शेयर विल फॉल आफ्टर 3 मंथ। एक इन्वेस्टर है जिसको लग रहा है कि जो बेल के मतलब कि जो कंपनी है बेल, उसके शेयर्स गिरेंगे आफ्टर 3 मंथ्स। ठीक है, देयर फोर ही परचेजेस अ पुट ऑप्शन। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि भाई आप प्राइजेस गिरेंगे, तो जैसे मैंने पहले बताया है कि अगर आप प्रेडिक्ट कर रहे हो कि प्राइस गिरेंगे तो आप पुट ऑप्शन के साथ जाओगे। ठीक है, तो वही काम इसने किया, इसको लगा कि भाई मार्केट बेयरिश है, प्राइजेस गिरेंगे स्टॉक के, तो पुट ऑप्शन ले लो। तो देयर फोर ही परचेजेस अ पुट ऑप्शन ऑन बेल्स शेयर विथ मेच्योरिटी ऑफ 3 मंथ एट अ प्रीमियम ऑफ 5 रुपीज। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, पुट ऑप्शन ले लिया जिसकी मेच्योरिटी 3 महीने की है, 3 महीने का इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया, पुट ऑप्शन लिया, और जिसके लिए इनको पे करना पड़ा 5 रुपए, 5 रुपीज इनको पर शेयर इनको पे करना पड़ा प्रीमियम के, उस पुट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को लेने के लिए। द एक्सरसाइज प्राइस इज 30 रुपीज, तो जो एक्सरसाइज प्राइस है वो 30 रुपीज है, तो यानी कि इनको प्रॉफिट कब होगा, 30 प्लस 5। ठीक है, प्रॉफिट कब होगा, 30 प्लस 5। ठीक है, जैसे ही 35 रुपीज पर प्राइस होगा एक्सपायरी डेट पर, ठीक है, 35 रुपीज या उससे ज्यादा होगा तभी इनको प्रॉफिट होगा। ओके, द एक्सरसाइज प्राइस इज 30 एंड द करेंट मार्केट प्राइस इज, जो करेंट मार्केट प्राइस है वो 28, हाउ मच प्रॉफिट और लॉस पुट बायर और पुट एंड पुट सेलर, अच्छा पुट सेलर की बात कर रहे हैं, इफ प्राइस ऑफ शेयर मेच्योरिटी ऑफ द ऑप्शन टर्न आउट टू बी 18 और 25 और 28 और 30 और 40। तो ये बोल रहे हैं कि अगर अगर सपोज 18 प्राइस होता है तो उस सिचुएशन में क्या होगा, 25 होगा तो उस सिचुएशन में क्या कितना प्रॉफिट बनेगा, क्या पे ऑफ बनेगा, 28 होगा या 30 होगा या 40 होगा। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पे पूछी जा रही है। तो अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक एक प्राइस लेके चलना है। सपोज प्राइस 18 होता है तो उस समय क्या होगा, अगर प्राइस 18 होता है तो उस समय क्या होगा, उस समय आपका जो भी, जैसे मैंने पहले बताया कि भाई जो बायर होगा उसका मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है प्रीमियम। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बायर की बात करूं तो बायर ने भाई कॉल ऑप्शन जो बाय किया हुआ है, अच्छा सॉरी पुट ऑप्शन बाय किया हुआ है, सॉरी पुट ऑप्शन, पुट बायर है, ओके पुट है, तो ये मैं 30 इसको ये यहाँ पर हटा देता हूँ, हाँ तो पुट है कॉल नहीं है, करेक्ट ऑप्शन बायर। ठीक है, पुट ऑप्शन बायर है, तो इन्होंने क्या सोचा था, प्राइस गिरेंगे और प्राइस कितना हो गया, 18 हो गया, तो जितना प्राइस गिरा वो इनका प्रॉफिट है,
कितना प्राइस गिरा है? इन्हें जो स्ट्राइक प्राइस था वो था 30, माइनस किया कितना, 18 प्राइस है इस समय, यानी कि प्राइस कितना गिरा, 12 रुपीज। ठीक है, यही डिफरेंस है, प्राइस 12 रुपीज गिर गया अभी। मगर इनको इस ऑप्शन, इस कॉन्ट्रैक्ट को लेने के लिए इनके 5 रुपए पे भी तो करना पड़ा था प्रीमियम, तो यहाँ पर आप क्या कर दोगे, 12 माइनस 5, ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 7 रुपीज, ये आपका प्रॉफिट। ठीक है, इसी तरह अगला अगर हम लोग देखते हैं, प्राइस है 25, 25 में क्या होगा देखते हैं, सेम चीज, 30 स्ट्राइक प्राइस है माइनस 25, यानी कि आपका प्लस 5, यहाँ पर जो डिफरेंस है प्लस 5 है, और इधर मगर आपको प्रीमियम भी पे करना पड़ रहा है कितना, 5 रुपीज, तो माइनस 5 कर देंगे और ये आपका हो जाएगा 0। ठीक है, यानी कि ब्रेक इवेन है। ठीक है, नो प्रॉफिट नो लॉस, 25 रुपीज पे। ओके, हमेशा याद रखिएगा, जो है हमेशा याद रखिएगा कि जब जो भी प्रीमियम होता है वो बायर के लिए वो एक्सपेंसेस है, उसको उसको पे करना होता है, चाहे कॉल ऑप्शन के लिए ले रहे हो, चाहे पुट ऑप्शन ले रहे हो, वो हमेशा आप माइनस करोगे बायर के लिए और प्लस करोगे सेलर के लिए। ठीक है, क्योंकि वो पैसे जा किधर रहे हैं, सेलर के पास जा रहे हैं। इसी तरह अगर प्राइस 28 होगा तो उस समय क्या होगा, इसको आप लोग करिए, एक बार करिए, आप लोग करिए, करने की कोशिश करिए, फिर मैं बताता हूँ 28 अगर प्राइस होगा तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है, और 30 और 40 ये बताइए, फिर हम लोग सेलर को डिस्कस करते हैं, क्योंकि यहाँ दोनों चीजें बतानी है, पुट ऑप्शन बायर और पुट ऑप्शन सेलर, दोनों का पे ऑफ बनाना है। बताइए 28 के केस में क्या होगा, और 30 के केस में क्या होगा, और 40 के केस में क्या होगा। चैट बॉक्स में आंसर करिए। बताइए किसी को कुछ प्रॉब्लम हो तो बताइए, किसी को कुछ प्रॉब्लम हो रही हो, अगर हो पा रहा है तो बताइए, आंसर बताइए। क्वेश्चन हो जाना चाहिए था मगर आंसर मेरे पास आ नहीं रहा। चलिए ठीक है, तो जैसे मैंने बताया अगर प्राइस 28 होता है तो उस केस में क्या करेंगे, जैसे मैंने बोला था कि 30 आपका स्ट्राइक प्राइस है माइनस 28, इधर आपका आ जाएगा 2 रुपीज, और इसमें से माइनस क्या कर देंगे प्रीमियम के,
यहाँ पे लॉस कितना हो जाएगा? यहाँ पे लॉस जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3, ठीक है, एक्स 3, ये आपका लॉस है, ठीक है। इसी तरह से अगर 40 रुपीज होगा, सॉरी सॉरी 30 होगा, तब 5 रुपए का लॉस, क्योंकि 30 माइनस 30, 30 माइनस 30 -5, तो इस तरह से आ जाएगा आपका 5 रुपीज का लॉस अगर 40 30 प्राइस है। और इसी तरह अगर 40 प्राइस हो जाता है तो 30 माइनस 40 माइनस 5, तो आपका लॉस हो जाएगा, कितना बहुत ज्यादा आ रहा है। मगर यहाँ पर हमेशा याद रखना, आप अगर ऑप्शन आप बायर हो तो आपके ऊपर ऑब्लिगेशन नहीं होता कि उस कॉन्ट्रैक्ट को आप एक्सरसाइज करो। यहाँ पे लॉस देखा जाए तो 15 रुपए का लॉस है, लेकिन हमेशा याद रखना, जब भी आप ज्यादा प्रीमियम से ज्यादा लॉस हो रहा हो तो आप उस कॉन्ट्रैक्ट को बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करोगे, और उस कंडीशन में आपका जो मैक्सिमम लॉस होगा वो होगा आपका प्रीमियम, ठीक है, उससे ज्यादा लॉस नहीं हो सकता। यानी कि 40 रुपीज प्राइस होने पे जो लॉस होगा वो प्रीमियम का ही लॉस होगा और उससे ज्यादा नहीं, यानी 5 रुपए, ठीक है। ये तो हो गई पुट ऑप्शन बायर की बात है। अभी अगर मैं पुट ऑप्शन सेलर की बात करूं तो आपको बिल्कुल उल्टा कर देना है। अगर मैं इसको सेलर कर दूं, ठीक है, तो इसका प्रॉफिट, इधर का प्रॉफिट उधर का लॉस हो जाता है, ठीक है। तो ये प्रॉफिट अगर 7 रुपए प्रॉफिट अगर बायर को मिल रहे हैं, तो अगर आप सेलर का बनाओगे तो वो ये इसका लॉस हो जाएगा, ठीक है, सेलर के लिए। इसी तरह ब्रेक इवन, नो प्रॉफिट नो लॉस। इसी तरह अगर 28 रुपीज होगा बायर के लिए, 28 रुपीज होने पे बायर के लिए 3 रुपए का लॉस, तो ये प्रॉफिट होगा सेलर के लिए, ठीक है। इसी तरह 5 रुपए का प्रॉफिट इधर हो जाएगा सेलर के लिए, इसी तरह यहाँ पर भी 5 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा सेलर के लिए, ठीक है। मतलब उल्टा कर देंगे आप, जितना अगर जो भी बायर का जो भी लॉस हो रहा है वो सेलर के लिए प्रॉफिट, जो भी बायर का जो प्रॉफिट हो रहा है वो सेलर के लिए लॉस, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया आपका। यहाँ पे दोनों का पे ऑफ इस तरह से बन जाए, मतलब अगर मैं एक में सेलर का करके बता देता हूँ, बाकी आप लोग कर लीजिएगा। यहाँ पर इस तरह से तो करना ही है, यहाँ पर कि 38 रुपीज, 30 रुपीज का इन्होंने लिया हुआ है, 30 रुपीज स्ट्राइक प्राइस का पुट सेलर अगर है और 18 रुपीज मार्केट प्राइस है, तो 15 रुपए का, तो अगर 18 रुपीज प्राइस हो जाता है तो भाई सेलर के लिए तो लॉस है 15 12 रुपए का, ठीक है, क्योंकि भाई सेलर ने तो ये सोचा था कि प्राइस बढ़ेंगे तभी तो सेल किया, ठीक है, मगर प्राइस कम हो गया। पुट ऑप्शन अगर मैंने सेल किया है तो मतलब मुझे ये लग रहा है कि प्राइस बढ़ेगा इसलिए मैंने सेल किया हुआ है, मगर ऐसा हुआ नहीं, प्राइस कम हो गए और 12 रुपए कम हो गए, तो ये मेरा लॉस है। और इसके बाद लेकिन मुझे प्रीमियम मिल रहा है, इतना 5 रुपए ये प्रीमियम तो मिलेगा, मुझे ये प्लस होगा मेरे, तो मुझे अल्टीमेटली कितना लॉस होगा? 7 रुपीज, ठीक है। इस तरह से आप इनका पे ऑफ बना दो, मतलब कुल मिला के यहाँ पर आपका प्रीमियम पे ऑफ में पॉजिटिव होगा, ओके। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में सपोज दैट अर्जुन पुट ऑप्शन टू सेल अ शेयर फॉर अ $60 कॉस्ट $4 एंड इज हेल्ड अंटिल अंटिल जून। अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस विल द सेलर ऑफ ऑप्शन
पार्टी विथ शॉर्ट पोजिशन मेक अ प्रॉफिट। ये वैसा ही क्वेश्चन है जैसा पिछला एक हम लोग कर चुके हैं। अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस विल द ऑप्शन बी एक्सरसाइज्ड। ठीक है, ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए क्योंकि मैंने एकदम ऐसा ही क्वेश्चन, बस थोड़ा सा चेंज हुआ है इसमें, बाकी सेम ऐसा ही क्वेश्चन हम लोग ने अभी किया हुआ था। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। जैसे कि ये क्वेश्चन था, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल वैसा ही है। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल से, वही सेम वैसा ही क्वेश्चन, बस यहाँ पर, वहाँ पर $50 है, यहाँ $60 हो गया। प्रीमियम अमाउंट उधर 2.5 रुपीज है, इधर 4 रुपीज है, बाकी क्वेश्चन वही सेम लग रहा है। ठीक है, सेलर शेयर पुट ऑप्शन लिया हुआ है, यहाँ पे कॉल ऑप्शन लिया हुआ है। ठीक है, बस वही कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन का डिफरेंस है और प्राइस का डिफरेंस है, बाकी क्वेश्चन वही है, वैसे ही है। मतलब यहाँ पर अगर मैं पुट ऑप्शन अगर ले सेल कर रहा हूँ, मैं अगर पुट ऑप्शन सेल कर रहा हूँ तो इसका मतलब कि प्रॉफिट मुझे कब होगा, जब प्राइसेस बढ़ेंगे। ठीक है, पुट ऑप्शन अगर मैं सेल कर रहा हूँ, पुट ऑप्शन बाय कर रहा होता तो प्राइस कम होने पे मेरा प्रॉफिट होता, लेकिन मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है अगर मैं सेलर हूँ तो? ठीक है, कितना हो सकता है? $4, यही मैक्सिमम मेरा जो प्रॉफिट है, इससे ज्यादा प्रॉफिट नहीं होगा मुझे, क्योंकि मैं सेलर हूँ। सेलर का मैक्सिमम प्रॉफिट जितना मैक्सिमम लॉस हो सकता है बायर का, बायर का मैक्सिमम लॉस कितना होता है, जो प्रीमियम अमाउंट है। तो ठीक है, वो $4 इसका मैक्सिमम प्रॉफिट है। ठीक है, और आगे क्या है, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस विल द सेलर ऑफ ऑप्शन मेक अ प्रॉफिट। कब प्रॉफिट इसको मिलेगा? जब भी प्राइस बढ़ेंगे। ठीक है, पुट बायर को कब फायदा होगा? जब प्राइस कम होगे, जब 60 रुपये, जो $60 है उससे प्राइस कम हो गया तो पुट बायर का प्रॉफिट होगा, मगर पुट सेलर का जो प्रॉफिट होगा जब प्राइसेस बढ़ेंगे। ठीक है, 60 से बढ़ेंगे तो वो उसका प्राइस, उसका प्रॉफिट होगा। ठीक, यहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस वाला सिचुएशन कब होगी? जब जब देखो यहाँ पे, एक मिनट बताता हूँ, अगर सपोज प्राइस $56 हो जाता है। ठीक है, अगर मार्केट प्राइस $56 होगा तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, 60 माइनस 56। ठीक है, जो 60 माइनस 56 यानी कि 4 रुपए का, यहाँ पे अगर मैं पुट सेलर की बात करूँ तो उसको लॉस हो रहा है, और नकर प्रीमियम के 4 रुपए मिल भी तो रहे, प्रीमियम के 4 रुपए मिल भी रहे, तो ये इनका 0 यानी नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, अगर प्राइस मार्केट प्राइस 56 होता है तो वो आपका नो प्रॉफिट और नो लॉस यानी ब्रेक इवन पॉइंट है, तो वही पूछ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहां से 56 से जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे, अगर 57 होता है तो पुट सेलर को 1 रुपए का रिटर्न आएगा, अगर 58 होता है तो 2 रुपए का, 59 होता है तो $3 का, और 60 होता है तो $4 का, और 60 के ऊपर जितना भी जाता है $4, मैक्सिमम $4, इससे ज्यादा उनको प्रॉफिट नहीं हो सकता। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। सनी एनर्जी शेयर इज करेंटली ट्रेडिंग एट ₹64.5। तो जो है करेंटली जो है, एक सनी सनी एनर्जी
कंपनी है उसके शेयर्स जो अभी इस समय जो ट्रेड हो रहे हैं वो 64.5 रुपीज में, 1 month कॉल ऑप्शन इज ट्रेडिंग विद स्ट्राइक प्राइस ऑफ 80 रुपीज एट ₹3। ठीक है, एक जो कॉल ऑप्शन जो कॉल ऑप्शन 80 रुपीज स्ट्राइक प्राइस का 3 रुपए में मिल रहा है। ठीक है, सनी एनर्जी का कॉल ऑप्शन जिसका प्राइस 80 रुपीज है, यानी कि इस समय करंट मार्केट प्राइस तो 64.50 है, मगर अगर मैं कॉल ऑप्शन ले रहा हूँ 80 रुपए का, यानी 80 रुपए स्ट्राइक प्राइस का अगर मैं कॉल ऑप्शन ले रहा हूँ, तो उसका उसके लिए मुझे प्रीमियम देना पड़ रहा है 3 रुपए। 1 month पुट ऑप्शन विद स्ट्राइक प्राइस और ₹55 इज ट्रेडिंग एट ₹22, सॉरी 2। ठीक है, और अगर मैं पुट ऑप्शन की बात करूं जिसको जो कि स्ट्राइक हुई है, और नहीं होना चाहिए यहाँ पे, गलत है, सेकेंड। तो जो अगर मैं पुट ऑप्शन की बात करूं जो स्ट्राइक प्राइस 55 का है, यानी ये आउट ऑफ द मनी ले रहे हैं, दोनों चीजें आउट ऑफ द मनी देखा जा रहा है, मतलब कि 64 मार्केट प्राइस है, मैं 55 का पुट ऑप्शन यानी आउट ऑफ द मनी एंड 80 का कॉल ऑप्शन यानी आउट ऑफ द मनी, दोनों ट्रेड कैसे हैं, आउट ऑफ द मनी। ठीक है, तो 1 month पुट ऑप्शन विद स्ट्राइक प्राइस 55 इज ट्रेडिंग एट ₹2, जिसके लिए आपको प्रीमियम देना पड़ेगा 2 रुपए। ठीक है, 55 रुपए का पुट ऑप्शन लेने के लिए 2 रुपए प्रीमियम देने पड़ेंगे। व्हाट आर इन्वेस्टर पे ऑफ इफ शेयर प्राइजेस आर 95, 65 एंड 50। ठीक है, आपको शेयर प्राइस बताना है अगर सॉरी आपको पे ऑफ बताना है अगर शेयर प्राइस 95, 65 और 50 होता है तो उस समय। आप लोग एक बार कोशिश करिए इसको, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एग्जाम्स में, तो एक बार जरूर आप लोग इसको ट्राई कीजिए, कोशिश करिए, इतना मुश्किल है नहीं। दोनों चीजें कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन दोनों चीजें लिए हुए हैं यहाँ पर, बताइए क्या पे ऑफ बनेगा। 5 मिनट का टाइम मैं दे रहा हूं इसमें, आप लोग करिए इसको। अगर नहीं समझ में आ रहा तो भी बताइए, अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा तो भी बताइए, ऐसे तो नहीं होगा, बिना रिस्पांस किए तो नहीं काम चलेगा। आप लोग ने जैसे बताया था कि आप लोग का जो
लास्ट सेमेस्टर में जो अभी एग्जाम हुए थे उधर न्यूमेरिकल ज्यादा पूछे गए थे। वैसे खैर इस बार तो एमसीक्यूज बेस्ड एग्जाम्स शायद होने हैं, मगर ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं एमसीक्यूज में भी, पे ऑफ से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, भले ही वैल्यूएशन ना पूछे। जैसे हम लोग ने अभी वैल्यूएशन किया था ऑप्शंस के वैल्यूएशन, अगर एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होने हैं तो थ्योरिकल ही थ्योरी मतलब कि तो वैल्यूएशन का इतना इम्पोर्टेंट वैल्यूएशन इतना इम्पोर्टेंट नहीं होगा जितना इम्पोर्टेंट पे ऑफ। ठीक है, तो पे ऑफ क्योंकि मुश्किल से 1 या 2 मिनट लगता है इसको सॉल्व करने में, इससे ज्यादा नहीं, जिस 1 मिनट से भी कम टाइम लगेगा अगर पे ऑफ अगर आपको पता है तो। ये एमसीक्यूज में बिल्कुल मैं श्योर हूँ कि पूछे ही जाएंगे। ठीक है, अगर पे ऑफ पूछ रहे हैं तो, अगर सपोज यही क्वेश्चन दे देता और पूछ देता कि भाई 90, ऐसा 3 नहीं प्राइस दिया, एक प्राइस दे दिया 95 है तो आप बताइए पे ऑफ क्या होगा, और 4 ऑप्शन दे दिए, इस तरह से क्वेश्चंस मैं तो 99% श्योर हूँ कि इस तरह के क्वेश्चंस पूछे ही जाएंगे आपके आपके एग्जाम्स। ठीक है, तो बिल्कुल ये यहाँ पर अगर कोई डाउट है तो आप लोग पूछ लीजिए, 2-4 क्वेश्चंस तो ये ऐसे आने ही आने हैं, चाहे वो ऑप्शन का पे ऑफ हुआ या फिर फ्यूचर का पे ऑफ, फॉरवर्ड का पे ऑफ, स्वैप का पे ऑफ, वो कैसा भी पे ऑफ जरूर पूछेंगे और बहुत ही आसान होता है, तो कुछ नहीं होता। तो इसमें अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो पूछ लो, वरना करो उसको, देखो क्या और कैसे हो सकता है।